जी जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया कास्ट और सेंसस की बात, या बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ और सर्वे में जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पे आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया, और तभी से आरक्षण को लेकर के और पिछड़े अति पिछड़े दलित शोषितों का जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी देने की बात देश में होने लगी। और हमारे देश के आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस बात को कहने लगे कि पूरे देश में इसका सर्वे कराना जरूरी है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार ने पहली बार कराया नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। दूसरी बात, मैं सुन रही थी तमाम जो भी वक्ता है उनको, देखिए हमारे एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि संविधान में हमारे यहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। रिजर्वेशन का प्रोविजन है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, वो आधार है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो निश्चित रूप से जब धर्म पे नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आप डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं या जो बहुसंख्यक समाज के लोग हो, उनकी सोशियो इकोनॉमिक और एडुकेशनल स्थिति के आधार पे उन्हें बाइफरकेट किया गया और कैटेगराइज किया गया, जिसके आधार पर रिजर्वेशन व्यवस्था लागू हुई।